हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन मशीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2023 के बारे में। फ्रेंड, फाइनली जो चॉइस फिलिंग का लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट बिहार आईटीआई 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं, अपना रैंक कार्ड चेक कर चुके हैं, तो उनके लिए अभी आपको चॉइस फिलिंग करना जरूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि चॉइस फिलिंग कीजिएगा तभी आपको मालूम चल पाएगा कि कौन सा ट्रेड मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है। और भाई, आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि घर बैठे कैसे आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप पीसी से कैसे आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, कैसे आपको कॉलेज डालना है, कैसे आपको इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर के लिए आवेदन करना होगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको ए टू जेड जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथी के रूप में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। फ्रेंड, चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा, जिसका नाम है dailyjobdekho.com, जो कि मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट पा सकते हैं, ठीक है। और स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2023 चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा, जो कि देखिए बिल्कुल खुलकर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए इस काउंसलिंग से संबंधित आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक बात मैं और मेंशन कर दूँ कि देखिए, अगर आपके मोबाइल में थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड कैसे करना होगा, तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है डेस्कटॉप साइट, ठीक है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए छोटा छोटा दिखने लगेगा, यानी कि आप अच्छे से इसको देख पाएंगे, ठीक है। अब स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या आपको लेकर जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सीट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, वीडियो भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, तो देखिए नीचे एक लिंक देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे देखिए आगे मेंशन किया गया क्लिक हेयर, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल जो पेज है ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, कैसे करना होगा चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया अप्लाई लॉगिन फॉर द बिहार आईटीआई कैट काउंसलिंग 2023, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, तो हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन है नहीं, इसलिए हम लोग सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया न्यू कनेक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए बिल्कुल एक पॉपअप खुल कर आएगा, जिसमें निर्देश दिया गया है, तो आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। पर्सनल डिटेल में क्या डालना है, तो आपको अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपका आईटीआई का एग्जाम हुआ है रोल नंबर है, उस रोल नंबर को यहाँ पर डालिए। आप अपना नाम डालिए जो भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पर डेट मंथ ईयर डाल दीजिए। इसका जो यहाँ पर सिक्योरिटी दिखा रहा है पिन, इसको यहाँ पर डालकर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फटाफट सबमिट पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे, लॉगिन होगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके पास आ जाएगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखाएगा, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ऊपर, जैसे कि रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिखाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको चूज पासवर्ड पर क्लिक करना है, या फिर कह सकते हैं कि पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना होता है इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड आपको ऐसा डालना है, जैसे कि इनका देखिए नाम है राकेश, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका नाम है उसको नाम को लिख कर @123 डाल सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं अपना, या फिर अपना मोबाइल नंबर का कुछ लेटर डाल सकते हैं, कुछ नंबर डाल सकते हैं। तो ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, जो कि आप सभी कैंडिडेट को ध्यान देना होगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट हो सकते हैं कि सर पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब यही होता है कि कुछ आपको लेटर कैपिटल में हो, कुछ नंबर हो, कुछ आपको स्पेशल वर्ड हो, जैसे कि @
हच हो गया, या फिर कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा एक प्रक्रिया बता दिया कि पासवर्ड बनाने के लिए आप अपना नाम का यूज कीजिएगा। इसके अलावा एट द रेट के आगे 123 लगा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल नंबर के कुछ यहाँ पे नंबर रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालकर सिंपली आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैनेटी गेट रजिस्टर सक्सेसफुली, यानी कि रजिस्ट्रेशन जैसे सक्सेसफुली होगा आपके मोबाइल या फिर ईमेल पर मैसेज आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर साथ ही ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड गया होगा जो कि ओटीपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया है कि आप अपना मोबाइल ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई कीजिए, जो कि वन टाइम गया होगा, यानी कि एक बार चल जाता है तो फिर दोबारा भी जाता है कि उसका साइन हमें लिमिट होता है, ठीक है। तो अगर आपके कुछ समय बाद भी नहीं जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए रिसेंट ओटीपी है, यानी कि दोबारा इस पर क्लिक करके आप ओटीपी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फटाफट जो ओटीपी है वो वेरीफाई कर लेता हूँ चुका है, ठीक है। अब देखिए मेंशन किया है कि आखिरकार आपको क्या क्या करना होगा आगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया च्वाइस फिलिंग, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको च्वाइस फिलिंग करना होगा। अवेलेबल च्वाइस यानी कौन कौन सा आपका ट्रेड अवेलेबल है, कौन कौन से आप डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, फिल चॉइस उसी के बारे में मेंशन किया गया है। इसके बाद चूज करने के बाद आपको लॉक करना होगा, इसके बाद अनलॉक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या करना होगा, प्रिंट किए गए लॉक को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने कॉलेज डाला उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, यह नीचे की बात है, ये बाद की बात है, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो सिंपली आपको चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल चॉइस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए आपका फिर से पर्सनल डिटेल दिखाएगा, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा यहाँ पर हाइड कर रखा है कुछ पर्सनल रीजन के कारण। अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, और इसको आप आसानी से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं और बाद में आपको दिक्कत आती है, यहाँ पर अच्छा ट्रेड भी नहीं मिल पाता है। कैसे अच्छा ट्रेड मिलता है इसको आप समझिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया इंस्टीट्यूट टाइप, यानी कि सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट टाइप में क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट दिखा रहा है, सिंपली आपको एक गवर्नमेंट ही दिखा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया टोटल अवेलेबल चॉइस 12, यानी कि टोटल आपको 12 यहाँ पे चॉइस अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ 12 डाल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कम नहीं डालना है, जितने भी आपके पास उपलब्ध है उनको सारे आपको एक एक करके डाल देना होगा, ठीक है। कैसे आपको डालना होगा इसको हम लोग समझते हैं, स्क्रॉल करके फिर से ऊपर आना है, और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया क्या फिल चॉइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन करके फिल चॉइस, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। इसको समझिए, सबसे पहले आपको देखिए मेंशन किया गया इंस्टीट्यूट टाइप, तो सिंपली आपको क्या करना है इंस्टीट्यूट टाइप पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट दिखाएगा, इसको लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए मेंशन किया गया एडिट फील्ड च्वाइस, तो यहाँ पर अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो कभी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए मेंशन किया गया इंस्टीट्यूट वाइज फिल्टर, यानी कि यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं कि आखिरकार आपको जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पे सिटी हो सकते हैं, उसके अनुसार जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया ITI कैमूर भभुआ ITI मोहनिया, तो मैं सबसे पहले ITI कैमूर भभुआ को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन किया गया कोर्स वाइज फिल्टर, यानी कौन सा आप कोर्स लेना चाहते हैं उसको फिल्टर कीजिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे डालूंगा, और आपको भी सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ही डालना है, चाहे आपका कोई भी रैंक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि हमारा जो ज़्यादा रैंक है तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन नहीं डालना होगा, बिल्कुल यहाँ से आपकी सोच बहुत ही गलत है। आपको कितना भी आपका रैंक है लेकिन आपको सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन डालना है, फायदा आपको ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका चांस बन जाता है, ठीक है। आपको डालने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर दिखा रहा है इलेक्ट्रीशियन का, जो कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया ITI कैमूर बभुआ और ITI मोहनिया कैमूर, तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ऐड का, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है, अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर से हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, यहाँ से फिर से मैं आपको यहाँ पर ऐड करूँगा, यानी कि दो यहाँ पे बिल्कुल ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है क्लिक करना है इंस्टीट्यूट फिल्टर पर,
फिर से मैं यहाँ पर कैंप ऑफ आप क्लिक करता हूँ या फिर जो भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट होंगे उसका दिखाएगा, इसको आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए मैसेज क्या गया, चूज बाई फिल्टर, यहाँ से फिर से आप फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको फिल्टर में चूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने फिल्टर डाला तो यहाँ पर जो भी आपके पास फिल्टर का टेट होगा यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए फिल्टर का टेट आ चुका है भभुआ में है और एक यहाँ पर मोहनिया कैमूर में है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे ऐड हो चुका है और फिर से मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो यहाँ से इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसी तरह से आपको क्या करना है, जो भी आपके डेट लेना है उसको आप ऐड करते रहिए। ध्यान दीजिएगा कि आपको सारे कोर्स को डालना है, बहुत सारे कैंडिडेट सारे कोर्स को नहीं डालते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सारे कोर्स को डालिए। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पर ITI कैमूर होमवर्क सेलेक्ट किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पर चूज वाई यहाँ पर कोर्स वाइज फिल्टर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट है उसको चूज करेंगे। जैसे कि हम देखिए मेंशन किया गया मैकेनिकल डीजल, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कोर्स होगा वह दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिर से दो दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और आपको अच्छी तरह से इसी तरह से करना है, कहीं भी आपको साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। फिर से हम लोग इसको चूज करते हैं, इसके बाद मैं आपको वेल्डर चूज करता हूँ। वेल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से वेल्डर यहाँ पे दो दिखा रहा है, मैं इसको भी यहाँ से फिर से क्या करता हूँ ऐड कर लेता हूँ। आपको ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तब तक वो आपके जो चॉइस फिल्म में लॉक होने की जो प्रक्रिया वो नहीं होती है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर कैमूर होमवर्क पर क्लिक करता हूँ इंस्टीट्यूट में और फिर से मैं फिल्टर करता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या एक अलग सा टेट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया वेल्डर हमने डाल दिया, यहाँ पे देखिए डालते हैं हम लोग यार कंडीशन करके कुछ है, तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपको सारे यहाँ पे जो फिलेट चॉइस है यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि 9 यहाँ पे क्या हुआ है फिलेट चॉइस हो चुका है, तो यहाँ से आपको मैं दिख रहा था कि यहाँ पर 12 दिखा रहा था, तो हम लोग सबसे पहले 12 करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 8 भी दिखा रहा है शायद, तो इसको हम लोग फिर से चूज करते हैं। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पे है इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे चॉइस पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद को जो बचा हुआ है उसको हम लोग डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये बचा हुआ है इसको हम लोग करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। हमको लगता है कि अब हो चुका है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या इसमें बचा हुआ है क्या, यहाँ पर देखते हैं लगभग तो हो ही चुका है लेकिन मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ और कोई बचा हो, शायद नहीं बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार मोहनिया कैमूर करके देखता हूँ क्या इसमें बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए नहीं बचा हुआ है, किसी में भी नहीं बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए अब दिखा रहा है 0, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है उपलब्ध में 0 दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से आपका जो भी अपना डाला था फिलेट चॉइस यहाँ 12 दिखा रहा था, यानी कि आपने डाल दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आसानी से आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैंने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता दिया कि आखिरकार आपको कैसे यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या करना होगा, तो आगे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सेव एंड कंटिन्यू और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सेव एंड एग्जिट, यानी कि आप बाहर चले जाएंगे, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया च्वाइस, यहाँ पे देखिए मैं आपको हाईलाइट कर दिखा दूँ, चॉइस सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो भी आपने चॉइस फिल किया था ये बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे सेव्ड हो चुका है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर आना है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया लॉक फिलेट चॉइस, यानी कि यहाँ से इसको आप लॉक कर दीजिए। सो फ्रेंड चॉइस फिलिंग करने के बाद यानी कि ट्रेड और कॉलेज डालने के बाद आपको सिंपली प्रिंट कर लेना होगा, लेकिन प्रिंट करने से पहले आपको लॉक करने की प्रक्रिया दिखाएगा। लॉक करने में आपको 2 दिन समय लगेगा, लेकिन लॉग आउट हो चुका है मेरे मोबाइल से लेकिन वहाँ पर लॉग इन नहीं हो रहा है कुछ टेक्निकल रीजन के कारण। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कैसे आपको प्रिंट करना है, कैसे आपको यहाँ पे अपने पास प्रिंट को रखना है और आगे की प्रक्रिया में क्या क्या करना होगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन जिस स्टेप को मैंने बताया उस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और फिर भी आपको चॉइस फिलिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।